अब जरा आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करने वाले एक आरोपी को डीडवाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ हैदराबाद के कई पुलिस थानों में करोड़ों रुपए की साइबर ठगी के मामले दर्ज हैं। इसके चलते साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो हैदराबाद और डीडवाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आरोपी लोकेश शर्मा को डीडवाना से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके पास से मोबाइल, सिम कार्ड, हार्ड डिस्क और लेन देन के हिसाब की कई डायरियां भी बरामद की गई हैं। तो यानी कि आपकी जानकारी मिल रही है जहां पर साइबर ठगी का जो मामला है वो सामने आया, जिसमें आरोपी अब गिरफ्त में आ चुका है और डीडवाना से आप गिरफ्तार किया गया है इस आरोपी को। हैदराबाद में साइबर ठगी करने का इस शख्स के ऊपर आरोप है। आरोपी जो है वो हैदराबाद में कई ऐसे मामले हैं जिसमें ठगी को अंजाम दे चुका था और करोड़ों रुपए की ठगी का ये मामला बताया जा रहा है। लोकेश शर्मा जो कि डीडवाना से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से मोबाइल, सिम कार्ड, हार्ड डिस्क समेत कई ऐसे सामान हैं जो कि बरामद किए गए हैं और डीडवाना से ये साइबर ठग का जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया है। जहीर अब्बास उस्मानी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जहीर, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? कई थानों में शिकायत दर्ज थी इस आरोपी की और बताया जा रहा है कि लोकेश शर्मा करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे चुका था, हैदराबाद में कई लोगों को निशाना बना चुका था। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो आरोपी है ये डीडवाना के ग्राम केराब का निवासी है और डीडवाना के एक मार्केट में इसकी ई मित्र की दुकान थी और उसी के माध्यम से ये जो है साइबर फ्रॉड का इस पर आरोप है। हैदराबाद के और करीमनगर के कई थानों में इसके खिलाफ साइबर ठगी के जो मामले दर्ज हैं उसमें बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए की इस व्यक्ति ने लोगों से ठगी की और लंबे समय से फरार था। साइबर क्राइम की जो टीम है वो फिर यहाँ डीडवाना पहुंची हैदराबाद से और उन्होंने डीडवाना पुलिस की मदद मांगी और डीडवाना पुलिस से आग्रह किया कि इस आरोपी की पकड़ने में जो है वो मदद की जाए। उसके बाद डीडवाना पुलिस भी एक्टिव हुई और दोनों टीमों ने मिलकर के आरोपी को दबिश देकर के गिरफ्तार कर लिया और इस आरोपी को जो हैदराबाद की साइबर पुलिस है वो अब हैदराबाद लेकर के रवाना हो गई है और वहीं उससे आगे की पूछताछ और कार्रवाई की जाएगी। अच्छा जहीर, एक चीज बताइए कि किस तरीके से ये निशाना बनाता था? और साइबर ठगी के मामले हाल फिलहाल में बहुत तेजी के साथ बढ़े भी हैं, कई लोग इसका शिकार हो चुके हैं, तो ये किस तरीके से आप लोगों को निशाना बनाता था? देखिए, ये कुछ एक बताया जा रहा है कि कुछ गिरोह के साथ काम करता था। गिरोह जो है वो लोगों को लालच देता था कि अपने खाते में जो है वो कुछ राशि ट्रांसफर करवाइए, उसका आपको कुछ परसेंटेज जो है वो कमीशन दिया जाएगा। इसलिए इसने भी कई लोगों को अपने जानते में लिया और उन लोगों के जो बैंक अकाउंट हैं उसमें लाखों के ट्रांजेक्शन करवाए और उसका उनको कमीशन दिया। इसी के चलते जो ये पूरा मामला जो सामने फिर आया, हैदराबाद की जो साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो है उसके पास जब ये मामला पहुंचा तो ये मामला ना केवल लाखों में बल्कि करोड़ों में सामने आया और उसके बाद में टीम एक्टिव हुई और इन्होंने पूरे मामले का खुलासा किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जहीर इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ये पूरा मामला सामने आया जिसमें साइबर ठगी का जो आरोपी है वो फिलहाल गिरफ्त में आ चुका है, उसके पास से कई सामान बरामद किया गया है।